तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज हीरो की पैशन प्रो APDV और जिसमें प्रॉब्लम है बाइक पीछे से लहरा के चलती है। बाइक जो पीछे से बहुत ज्यादा लहर मार रही है, चलाने पे जब दो लोग बैठ जाते हैं तो और ज्यादा लहर इसमें हो जाती है। तो फाइनली जो इसमें प्रॉब्लम है वो व्हील की जो बैरिंग होती है, बैरिंग में प्रॉब्लम है। बैरिंग कैसे चेक करना है खराब है या सही, वो मैं आप लोगों को जानकारी देता हूँ। यहाँ से हम टायर को पकड़ क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पे लहर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो मैं चलो इस साइड में आप लोगों को दिखा देता हूं पहले, उसके बाद ये बैरिंग निकालते हैं बाहर। तो यहां पे आप लोग गौर से देखना, मैं पहियों क्या करूंगा, आगे पीछे करूंगा तो यहां पे लहर आप लोगों को समझ में आएगी। तो ये देखो, जैसे हम इसमें आगे पीछे कर रहे हैं तो इस जगह पे हमारे लहर, ये देखो आगे हो रहा पीछे हो रहा, मतलब उठ रहा नीचे जा रहा, उठ रहा नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा इसका जो रियर व्हील बैरिंग है वो साइड से खराब है। तो मैं क्या करूंगा, इसके जो जितने पहिया खोल के बाहर निकालते हैं, सारे बोल्ट वगैरह खोलते हैं, पहिया कंप्लीट बाहर निकालते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ से हमारा फाइनली पहिया जो है वो बाहर हो गया, आप लोग देख सकते हो। और इसका जो पहिया यहाँ पे रखा हुआ और जो बैरिंग है इसकी यहाँ पे इसी में लगी हुई है, दो बैरिंग है। तो दोनों बैरिंग को मैं क्या करता हूँ आप लोगों को, ये वाली जो बैरिंग है ये वाली बैरिंग को निकालना कैसे वो बताता हूँ आप लोगों को, और निकालने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसमें प्ले है या नहीं, बैरिंग खराब है या नहीं। तो पहले मैं क्या करता हूँ बैरिंग निकाल लेता हूँ। बैरिंग निकालने के लिए हमको एक एक्सल लगेगा और एक हथौड़ी लगेगी, बस दो चीज से हमारी जो बैरिंग है वो निकल जाएगी। तो ये एक्सल ले लिया और इसको जो बैरिंग में नीचे वाली में पहले फंसा लेना, इस तरीके से नीचे वाली मेरी फंस गई, यहाँ पे हम बैरिंग के अंदर से डाल के नीचे वाले में फंसा लिए। और अभी ऊपर से हथौड़ी से पंच करना है, हथौड़ी से पंच करोगे तो आपकी जो नीचे वाली बैरिंग है वो निकल जाएगी। यहाँ से जैसे कि अभी देख रहा हूँ निकल गई, ये बैरिंग निकल गई और ये स्लू बीच कर रहा था वो भी निकल गया। अभी जो हमको सेकंड नंबर की बैरिंग निकालती, मतलब जो दूसरी बैरिंग निकालनी है, तो दूसरी बैरिंग को भी हमने हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो दूसरी बैरिंग हमारी है उसको यहाँ पे ये देखो, ये बैरिंग आप लोगों को दिख रही है, तो एक्सल को बैरिंग में फिट करके मारना है पंच, और कहीं नहीं मारना है एक्सल को। जो हमारा एक्सल मेरे हाथ में है उसको बैरिंग में रख के मारोगे तो चोट निकल जाएगी दूसरी वाली बैरिंग। तो हमारी दूसरी वाली बैरिंग भी फाइनली निकल चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो ये बैरिंग को मैं ले लेता हूँ और आप लोगों को प्ले दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद चेंज करते हैं। तो पहले ये देखो, ये बैरिंग है और इसमें इस तरीके से प्ले चेक करना, ये देखो प्ले इसमें है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखो प्ले कितनी ज्यादा है। तो इसीलिए जो हमारी बैरिंग थी, जो हमारा पहिया था, वो लहर मारता था। दो लोग बैठाने पे लहर मारता था, सिंगल पे भी लहर मारता था, और जब हम तीन लोग बैठा लेते तो उससे ज्यादा लहर मारता था, बहुत ज्यादा लहरा के बाइक चलने लगी थी। तो इसीलिए हमने इसका जो व्हील बैरिंग पहले चेक किया, तो व्हील बैरिंग मुझे खराब लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो क्यों ना बना दूं। तो अभी ये तो हमारी बैरिंग है, ARB कंपनी की ओरिजिनल बैरिंग है, और इसकी प्राइस की बात है तो प्राइस मैं आप लोगों को एंड में दिखा दूंगा कितनी प्राइस है। तो ये बैरिंग हमारी जो बिल्कुल कंपनी की बैरिंग है, इसकी इसका नंबर जो वो मैं नंबर आप लोगों को दिखा देता हूँ, बैरिंग नंबर कितने नंबर की हमारी बैरिंग लगेगी। तो सेम बैरिंग दोनों एक ही नंबर के लगने वाली हैं, और आगे के व्हील में भी यही सेम बैरिंग लगेंगी जो मैं पीछे लगा रहा हूँ, तो यही दो बैरिंग आगे में भी लग जाएंगी। तो यहाँ पे नंबर आप लोग देख सकते हो 6301, बैरिंग का नंबर जो है 6301। प्राइस की बात है तो प्राइस मैं आप लोगों को आखिरी में दिखा दूंगा। तो इसको पहले फिटिंग करते हैं। ये दो बैरिंग है मेरे पास, तो दोनों ARB की है, तो इसमें हम पहले लगाएंगे ग्रीस, और ग्रीस लगाते हैं क्योंकि दोनों बैरिंग सेम है। नंबर आप लोग देख सकते हो दोनों का नंबर जो है वो सेम है, 6301, दोनों का नंबर सेम है। दोनों बैरिंग आगे वाले में भी यही बैरिंग लग जाएंगी, आगे वाली व्हील बैरिंग और जो पीछे वाली व्हील बैरिंग है दोनों सेम है। तो अभी हम क्या करते हैं इसमें ग्रीस लगाते हैं, ग्रीस लेते हैं और ग्रीस लगाते हैं बैरिंग में। तो ये है ग्रीस, तो ग्रीस लगाना कैसे है, तो ग्रीस ले लेना और इसको इस तरीके से यहाँ पे रख के देखो छर्रे जो होते हैं अंदर उसी में भर देना है, इस तरीके से भर देना है। ये देखो मैं भर रहा हूँ, और इसी तरीके से आप लोगों को ग्रीस लगा लेना जब भी आप नई बैरिंग डाल रहे हो, तो बैरिंग में ग्रीस जरूर लगा लेना क्योंकि जो कंपनी बैरिंग में ग्रीस भर के नहीं देती है वो हल्का सा ऑयल पड़ा रहता है। तो यहाँ पे ये देखो हमारी बैरिंग भर गई। अब जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर को हमको ऊपर रखना, मैं दूसरे वाले में लगा लेता हूँ, उसके बाद कैसे फिटिंग करना वो आप लोगों को बताता हूँ। तो दूसरी वाली बैरिंग में हम सेम इसी तरीके से बैरिंग में ग्रीस लगा लेंगे जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो बैरिंग में ग्रीस लगाना बहुत जरूरी है ताकि जो हमारी बैरिंग है वो फ्री रहें, जाम जल्दी ना हो। और बाकी की सर्विस में तो हमारी जो सर्विस के टाइम तो हम इसमें बैरिंग में ग्रीस लगाते ही लगाते हैं। तो अभी हमारे पास नई बैरिंग है तो नई बैरिंग में ग्रीस लगा लेंगे इस तरीके से। तो अभी इसको फिटिंग कैसे करना है वो बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे हम हमारी दोनों बैरिंग में ग्रीस लग चुकी है, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फिटिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे ये बैरिंग है, जिधर हमने ग्रीस लगाया उसको नीचे रखना, जिधर हम ब्लैक कलर का ये जो
कवर लगा हुआ ब्लैक कलर का, उसको ऊपर रखना है। तो यहाँ पे हमको पंच करना है हथौड़ी से, इस तरीके से पंच करना है तो ये बैरिंग जो है बैठ जाएगी। तो अभी आप लोगों को देखो ये बैरिंग जो बैठ गई, प्रॉपर बैठ गई। तो अभी हम उस साइड की बैरिंग सेम इसी तरीके से लगाएंगे, लेकिन उसके बीच में एक डिस्टेंस डालेंगे जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा डिस्टेंस है वो। तो यहाँ पे जो हमारा ये देखो एक बैरिंग बैठ गई, दूसरी तरफ घुमा लिया पहिया इसका, और अभी इस साइड की बैरिंग लगाना है। और ये जो हमारी बुश है, ये वाली जो हमारी बुश है, इसको लगाना है। इसको कपड़े से क्लीन कर लेना पहले, ये इसको इसके बीच में लगाना है, बैरिंग में अटैच कर देना नीचे वाली बैरिंग में। तो नीचे वाली बैरिंग में हमारा बैठ जाता है, ये कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें सिर्फ डालना रहता है। तो अभी ऊपर वाली बैरिंग को भी सेम इसी तरीके से लगा देना, जिधर ग्रीस लगा है उसको नीचे रख देना, और जिधर हमने ग्रीस नहीं लगाया उसको ऊपर रख देना, ऊपर कवर रहता है। तो अभी इसको भी हम इस तरीके से बैठा लेते हैं पंच कर करके। तो यहाँ पे हमारी जो बैरिंग है फाइनली बैठ गई, ये वाली बैरिंग भी बैठ गई और ये वाली बैरिंग बैठ गई, थोड़ा सा बाहर निकल गई। तो इसको हथौड़ी मार के थोड़ा सा अंदर कर देंगे, ये देखो ऐसा। तो ये भी बैरिंग बैठ गई। तो अभी हमको क्या करना है, पहिया को फिटिंग करना है बाइक में। उसके बाद आप लोगों को जो इसकी लहर थी वो भी चेक करवाऊंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका पहिया कंप्लीट फिटिंग कर लेता हूँ। तो कंप्लीट हमारा पहिया जो वो फिटिंग हो चुका है। तो अभी मैं आप लोगों को इसके जो लहर थी पीछे से लहराती थी बाइक वो चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे गौर से देखो, अभी जो मैं पहिया को हिला रहा हूँ तो एक जरा से भी इसमें प्ले नहीं है। जो हमारी प्ले थी बैरिंग की प्रॉब्लम थी, बैरिंग खराब थी इसलिए प्ले थी इसमें, बाकी हमारी जो प्ले है वो खत्म हो गई। अब जो हमारी बाइक दो तीन लोग पे लहरा के चलती थी पीछे से, अब उसका काम खत्म हो गया। ये बैरिंग मैंने चेंज कर दिया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को कर लेना है। तो मैं बैरिंग की प्राइस आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ARB 6301 बैरिंग नंबर है, और इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस आप लोग देख सकते हो, इतनी प्राइस है इसकी। दो बैरिंग एक साथ रहती हैं, एक डब्बे की प्राइस है। तो अभी वीडियो करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस तरह की नई नई वीडियो मैं लाता रहूं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।